जैसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसा। क्वेश्चन नंबर 4, एन इंडिपेंडेंट टाइल्ड स्कैफोल्डिंग इज टू बी इरेक्ट ऑन अ बिल्डिंग इन अ बिजी टाउन सेंटर लोकेशन। इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ए एंड बी में। ए देखते हैं, आउटलाइन द प्रिकॉशन डेट शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ड्यूरिंग इरेक्शन एंड यूज ऑफ द स्कैफोल्ड। नंबर बी, आउटलाइन द इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंडिपेंडेंट टाइल्ड स्कैफोल्ड। ये क्वेश्चन भी निबोश आईजीसी 2 के एलिमेंट नंबर 1 में से है, जिसका आंसर आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। हेलो फ्रेंड्स, मैं बी द बेस्ट टीम टू पब्लिक स्पीकर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखते हैं, जिसमें पूछा है ए, आउटलाइन प्रिकॉशन डेट शुड बी यूज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू मेंबर्स ऑफ पब्लिक ड्यूरिंग इरेक्शन एंड यूज ऑफ द स्कैफोल्ड। तो हमें जैसे आउटलाइन में आंसर देना है, इसे भी हम पॉइंट वाइज बनाकर आंसर देंगे। नंबर 1, एरिया शुड बी बैरिकेडेड बिफोर इरेक्शन। जहां हम स्कैफोल्डिंग लगाने वाले हैं, वहां पर प्रॉपर हमें बैरिकेड लगाना होगा। नंबर 2, साइन बोर्ड इंडिकेटिंग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन शुड बी प्लेस। और वहां पर हर जगह साइन बोर्ड लगाना है, जिससे सबको इंडिकेट हो यहां इरेक्शन का वर्क चालू है। नंबर 3, अ सेफ्टी नेट इफ़ पॉसिबल शुड बी प्लेस टू कैरी फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सेफ्टी नेट लगाए, जो भी मटेरियल गिरता है एक हाइट से उसे कैच करने के लिए सेफ्टी नेट लगाना ज़रूरी है। नंबर 4, कॉम्पिटेंट स्कैफोल्ड सुपरवाइजर ऑलवेज बी प्रेजेंट ड्यूरिंग इरेक्शन। जब कभी भी इरेक्शन का काम स्टार्ट होने वाला हो, उससे पहले और उसके दौरान सुपरवाइजर जो हो स्कैफोल्डर का, वो वहाँ मौजूद होना चाहिए। नंबर 5, वर्कर्स शुड यूज़ टूल बैग टू कैरी द टूल्स। जो वर्कर उस पर काम कर रहे हो, हमेशा टूल बैग होना चाहिए उसके साथ में टूल्स को कैरी करने के लिए। नंबर 6, टूल्स वाइल इन यूज शुड बी टाई अप यूजिंग वायर रोप टू द टूल बेल्ट। और जो टूल्स यूज में हो, उसे टाई अप करना है वायर रोप में टूल्स के साथ। नंबर 7, वर्कर्स ऑन ग्राउंड लेवल शुड वेयर अ हार्ड हैट, सेफ्टी शूज एंड हाई विजिबिलिटी क्लॉथ एक्सेट्रा। जो वर्कर ग्राउंड लेवल में हो, वो हमेशा हेलमेट और शूज और सेफ्टी हाई विजिबिलिटी वाली जैकेट पहना होने चाहिए। नंबर 8, अ बैंक्समैन और सिग्नलमैन कुड बी डिप्लॉय नियर द बैरिकेशन टू वार्न पीपल एंड व्हीकल अबाउट द हजार्ड ऑफ फॉलिंग मटेरियल्स। बैंक्समैन एंड सिग्नलमैन को डिप्लॉय करें, खड़ा करें जो भी लोग वहाँ को है, वहाँ उनको वार्न करने के लिए हजार्ड के बारे में और फॉलिंग मटेरियल के बारे में। नंबर 9, गार्ड रेल्स विथ ब्रिक गार्ड्स प्लेटफॉर्म शुड बी फिटेड टू द वर्क। गार्ड रेल्स को ब्रिक गार्ड प्लेटफॉर्म से फिट होना चाहिए जब वर्क स्टार्ट करें। नंबर 10, स्कैफोल्ड मस्ट नॉट बी ओवरलोडेड। स्कैफोल्ड को ओवरलोड कभी ना करें। नंबर 11, लास्ट, इट मस्ट बी सीटेड ऑन फ्रेम और लेवल ग्राउंड। स्कैफोल्ड को प्लेस करें ग्राउंड लेवल और फ्रेम में। तो ये थे पॉइंट वाइज आंसर इस क्वेश्चन के, और इसी तरह से आपको निबोश एग्जाम में भी लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, आउटलाइन द इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट टाइल्ड स्कैफोल्डिंग। तो स्टे कनेक्ट विद अस फॉर न्यू अपडेट। क्लिक